आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आपने आधार कार्ड न्यू बनवाया हो और वो आपके अभी तक घर पे नहीं आया है, आप बीच में ही डाउनलोड करना चाहते हैं, राइट, या फिर आपका पहले से आधार कार्ड था, अब वो गिर गया है या फिर वो गल गया है, खराब हो गया है, तो आप अपना न्यू आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस लाइव बताऊंगा। मोबाइल में और पीसी में, दोनों में आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, राइट, लाइव बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है। हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आ गए हैं और यहाँ पे आके आपको टाइप करना है myaadhar.uidai.gov.in। आप यहाँ पे ये स्पेलिंग देख लें और यहाँ पे जो पॉइंट लगी है वहीं पर आपको पॉइंट लगानी है, सेम टू सेम इसके जैसा लिखना है आपको, और लिख के आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। आपके सामने आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड आधार का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप तीन चीज़ों से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास यदि आधार कार्ड नंबर है तो आप अपने आधार कार्ड नंबर से कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर यदि आपने अपना आधार कार्ड न्यू बनवाया है और आपके पास उसका एक एनरोलमेंट आईडी होगा, यानी कि जब भी आपने जहाँ पर भी बनाया होगा उस व्यक्ति ने आपको एक स्लिप दी होगी, रेफरेंस स्लिप दी होगी, तो उस स्लिप में एनरोलमेंट आईडी डली रहती है, तो वो आपको एनरोलमेंट आईडी डालनी है और यहाँ पे डेट वगैरह डाल देनी है। एनरोलमेंट आईडी में ये एनरोलमेंट आईडी के साथ में डेट लिखी रहती है, डेट और टाइम ये चीज़ें लिखी रहती हैं, और कैप्चा फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है आपको, तो आप एनरोलमेंट आईडी से इस टाइप से कर सकते हैं। और यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर, एनरोलमेंट आईडी दोनों चीज़ें नहीं है तो आपके पास वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। फिर वर्चुअल आईडी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप इस टाइप से वर्चुअल आईडी से कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपने आधार कार्ड के नंबर से करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और सेकेंड नंबर पे यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। ये जो कैप्चा यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं 8 9, यहाँ पे ये जो सेम टू सेम ऐसा लिखा हुआ है आपको यहाँ पे फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ओटीपी गया होगा आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप करना है। और आप एक ऑप्शन और देख सकते हैं, डू यू वॉन्ट ए मास्क्ड आधार, आपको इस वाले ऑप्शन को ऐसा ही छोड़ देना है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है इस टाइप से, क्योंकि आप इस पर क्लिक कर देंगे यदि तो आपके आधार कार्ड के जो नंबर रहेंगे वो मास्क्ड रहेंगे, मतलब वो क्लियर दिखेंगे नहीं, उन पर क्रॉस क्रॉस का निशान लगा रहेगा। तो आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है नॉर्मल वाला जिसमें सारे आपके आधार कार्ड के नंबर दिखें, तो आपको इस ऑप्शन को ऐसा ही छोड़ना है, इस पर क्लिक नहीं करना है और ओटीपी डाल के वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने नोटिफिकेशन आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड, आपका आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। और डाउनलोड होके आप यहाँ पे ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फाइल दिख जाएगी फर्स्ट में ही, राइट। इस फाइल को आप अपने फाइल मैनेजर में जाके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने इस टाइप से खुल जाएगा। अब आपका जो आधार कार्ड की जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्या डालना है, पासवर्ड डालेंगे तभी आप इसको ओपन कर पाएंगे। पासवर्ड में आपको आपके नाम के आगे के चार अक्षर कैपिटल लेटर में, जैसे आपका नाम अजय है तो आपको AJAY ऐसा कैपिटल लेटर में डालना है आगे के चार अंक, और पीछे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी बर्थ ईयर डालनी है, जैसे आपकी बर्थ ईयर 1999 है, 2000 है, 1995 है, वो डालनी है बिना इस बीच दिए हुए। जैसे ही आप डालेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो गया, आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसे प्रिंट करवा के कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपना ऑनलाइन ही। तो इस वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।